हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष आचार्य और आप देख रहे हैं गोवाईएल। हम सभी जानते हैं कि गोवा का हाथ क्रिकेट में थोड़ा सा तंग है और आज तक गोवा से सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिसने इंटरनेशनल लेवल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, वो है दिलीप सरदेसाई, जो इंडिया के कप्तान भी रहे। लेकिन आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि गोवा का एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसने पाकिस्तान की ओर से अपना क्रिकेटिंग करियर शुरू किया, अंताव डिसूजा। अंताव का जन्म 1939 में नागोवा में हुआ था और उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी 1959 में। हालांकि करियर उतना अच्छा नहीं चला और वो केवल 3 साल ही क्रिकेट खेले। 1962 में उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। उस समय सिर्फ टेस्ट मैच हुआ करते थे, T20 का कोई झूलमूल नहीं था। 1999 में अंताव अपने परिवार के साथ कैनेडा शिफ्ट हो गए। अंताव की कहानी जानने के बाद काफ़ी लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि पाकिस्तान में गोवंश रहते हैं क्या? तो जवाब है हाँ, वहाँ भी बहुत सारे गोवंश रहते हैं। हालांकि वहाँ पर आबादी अभी 3,000 गोवंश की है कराची पाकिस्तान में, और ये आबादी आज़ादी के बाद थी 15,000। अंताव जैसे ही कई ऐसे जाने माने नाम हैं जिन्होंने गोवन होकर अपनी कंट्री पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया। उनमें से पहला नाम है सिरिल अल्मेडा। सिरिल अल्मेडा एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और एक डॉन नाम के इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए एडिटर का काम किया करते थे। अगला नाम है जैक ब्रिटो का। जैक ब्रिटो अपने समय के बेहतरीन हॉकी के खिलाड़ी हुआ करते थे। उन्होंने 1952 के ओलंपिक्स में अपनी कंट्री पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और इस लिस्ट का आखिरी नाम है मिल्टन डिमेलो। मिल्टन डिमेलो जैक की तरह ही एक शानदार हॉकी प्लेयर थे और उन्होंने 1948 के समर ओलंपिक्स में अपनी कंट्री पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को लग रहा होगा कि गोवंश पाकिस्तान में कैसे पहुंचे? इसका जवाब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएगा। मैं चाहता हूँ, थोड़ी रिसर्च उस पर चालू है, चल रही है रिसर्च, तो वो रिसर्च ख़त्म होते ही हम वो वीडियो जल्द ही लाएंगे आप लोगों के सामने। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर शेयर कर सकते हैं वो भी कर दीजिए, अच्छा ही रहेगा हमारे लिए। थैंक यू सो मच, आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मैक्सिमाइज़।